खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। फंस एंड पेटल्स, फ्लावर्स, एनीवेयर, एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौड़। और मैं बबीता सिंह गौड़। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज, 25 मार्च को होगी शपथ। स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव के लिए 21 मार्च को नामांकन का है अंतिम दिन। प्रदेश में 5 वर्ष तक के 3.80 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। अखिलेश यादव बोले, करह से विधायक रहूं या आजमगढ़ से सांसद, पार्टी हाईकमान करेगा फैसला। सीतापुर से एमएलसी के भाजपा प्रत्याशी, लखनऊ के पवन सिंह चौहान बनाए गए। डीएम ने महिला चिकित्सालय सीतापुर में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। लखीमपुर से एमएलसी पद के भाजपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता का खैराबाद व हरगांव में हुआ स्वागत। नवीन संवत्सर का नाम राक्षस संवत्सर है, इस वर्ष राजा शनि और गुरु है मंत्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकोना स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शाम 4 बजे दूसरी बार पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेगा। शासन ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधान परिषद चुनाव में पहले चरण के लिए 21 मार्च और दूसरे चरण के लिए 22 मार्च नामांकन का अंतिम दिन है। इसी के मद्देनजर पार्टी नेतृत्व में ने 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा है। इससे पहले 24 मार्च को लोक भवन के सभागार में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से विपक्षी दलों के नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजे जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ भारत अभियान सशक्त भारत अभियान का हिस्सा है। सीएम योगी ने रविवार को गोरखपुर जिला महिला अस्पताल के सामने स्थित परिसर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करते हुए 5 बच्चों को अपने हाथ से पोलियो ड्रॉप पिलाया। सीएम ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश में 5 वर्ष तक के 3.80 करोड़ बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। इतने बच्चों को बीमारी से सुरक्षा कवच देने के लिए 1.10 लाख बूथ बनाए गए हैं, साथ ही 76,000 सचल टीमें लगाई गई हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पैतृक गांव सैफई स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक में उनकी मेहनत की सराहना की। बूथ अध्यक्षों ने सपा मुखिया से करहल सीट न छोड़ने और यहीं से विधायक बने रहने की मांग की है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं करहल से विधायक रहूं या आजमगढ़ से सांसद, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र की 36 सीटों के चुनाव में भाजपा ने पिछड़ा व ठाकुर कार्ड खेला है। शनिवार को घोषित पहले चरण के 30 उम्मीदवारों की सूची में 12 ठाकुर, 9 पिछड़े, 5 ब्राह्मण, 3 वैश्य और 1 कायस्थ को टिकट दिया गया है। भाजपा ने सीतापुर से एमएलसी पद के लिए पवन सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ जनपद के मामपुर बाना गांव निवासी पवन सिंह चौहान ने भाजपा से स्नातक एमएलसी पद के टिकट की प्रबल दावेदारी की थी। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले पवन सिंह चौहान को भाजपा ने टिकट न देकर अवनीश सिंह को प्रत्याशी बनाया था। तब से वह लगातार भाजपा में सक्रिय थे। आखिरकार बीजेपी ने उन्हें सीतापुर से एमएलसी पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रविवार को एमएलसी पद के भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह चौहान काफिले के साथ सीतापुर पहुंचे तो जगह जगह उनका स्वागत हुआ। कमलापुर में पार्टी जनों व समर्थकों जेपी सिंह, मेहुल यादव, अनुराग जायसवाल, बबलू चौहान, देवेश सिंह, भूपेंद्र सिंह, रमाकांत अवस्थी, पांडे जयकृष्ण पांडे, पंकज नीरज, आशुतोष, आशीष अवस्थी, अभिषेक ठाकुर इत्यादि ने फूलमाला पहनाकर पवन सिंह चौहान का स्वागत किया। भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी का काफिला पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ जनों से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पवन सिंह चौहान का फूल मालाओं और बुके भेंट कर स्वागत किया। जिला कार्यालय में बैठक कर नामांकन और चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, सदर विधायक राकेश राठौर गुरु, ब्लॉक प्रमुख खैराबाद अजय विश्वकर्मा, अनूप विश्वकर्मा, जया सिंह, ऑनेंद्र विक्रम सिंह, अमन विक्रम सिंह, संजय मिश्रा, सहज गुप्ता, मोनू आर्या, दीपेंद्र भदौरिया आदि मौजूद थे। दूसरी तरफ पवन सिंह सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा से भी आशीर्वाद लेने पहुंचे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने रविवार को जिला महिला चिकित्सालय सीतापुर में बनाए गए केंद्र पर पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक भी पिलाई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस पल्स पोलियो महाअभियान के दौरान कोई भी बच्चा पोलियो खुराक पीने से न छूटे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने निर्धारित माइक्रो प्लान के अनुसार गतिविधियां संचालित करने एवं समय के कार्यों को पूर्ण किया जाने के निर्देश भी दिए। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान सीतापुर में लगभग 8,45,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद में 1956 बूथ बनाए गए हैं। बूथों पर जो बच्चे दवा पीने से छूट जाएंगे उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीमें 21 मार्च से 25 मार्च तक घर घर जाकर दवा पिलाएंगी।
इसके उपरांत भी छूट गए बच्चों को 28 मार्च से बी टीम द्वारा घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। लखीमपुर से विधान परिषद सदस्य पद के भाजपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता का खैराबाद टोल प्लाजा पर ब्राह्मण चेतना परिषद के अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने अपने साथियों के साथ स्वागत किया। अनूप गुप्ता को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें विजय श्री दिलाने के लिए पूरी टीम के साथ तन्मयता से जुटने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर अंशुमान ब्राह्मण, मनोज मिश्रा, उपेंद्र शुक्ला, अजय शुक्ला, प्रिंस मिश्रा, शिवदीन दीक्षित, सुशील मिश्रा, विकास मिश्रा, अनुराग मिश्रा आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता को लखीमपुर से एमएलसी पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। आज लखीमपुर जाने के दौरान हरगांव में पूर्व मंडल अध्यक्ष ब्रजेंद्र शुक्ला, मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौराहे के पास माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर अंशु शुक्ला, सुमित शुक्ला, पंकज भोला पांडे, मदन श्रीवास्तव, के जोशी, विपिन वर्मा, सुनील गुप्ता, गिरीश मिश्रा, आलोक मिश्रा, नितिन मिश्रा, उदित वाजपेयी, प्रदीप मिश्रा, मनोज मिश्रा, मिंटू, जय सिंह, गुड्डू अवस्थी, वीरेंद्र मिश्रा, विजय राज आदि मौजूद थे। मिश्रिक होली परिक्रमा मेले के समापन पर भव्य आतशबाजी से आसमान में सतरंगी छटा बिखर गई। हितकारी सेवा संस्थान मिश्रिक के अध्यक्ष राजेश मिश्रा, महामंत्री सुनील मिश्रा द्वारा आरती की गयी। पंडित उमा शंकर दीक्षित, राम सहाय तिवारी, रजनीश दीक्षित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ तीर्थराज का पूजन कराया गया। इससे पूर्व हितकारी सेवा संस्थान के महामंत्री सुनील मिश्रा, प्रथम मिश्रा, ऋषभ मिश्रा ने एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, विधायक रामकृष्ण भार्गव, सीओ सुशील यादव, मेला कोतवाल राजेश कुमार, ईओ रुद्र प्रताप सिंह, कस्बा इंचार्ज ऋषभ यादव, वेद प्रकाश मिश्रा, राजेश कुमार, विवेक सिंह, कमलू प्रधान को पट्टी व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मिश्रिक होली परिक्रमा मेला समाप्ति के बाद मेला मैदान में लगी दुकानों के बीच कूड़े करकट से ढेर लग गए हैं। गांधी द्वार से पहली गली में कीचड़ भरा हुआ है, जिससे दुकानदारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ईओ रुद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सफाई कराई जा रही है, मेले में नाली का बहाव बंद होने की वजह से जल भराव हो जा रहा है, पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। विश्व के मोहल्ला मिस्टरगंज स्थित नरसिंह धाम बाबा मंदिर परिसर में होली के पावन पर्व को लेकर रंगोत्सव कार्यक्रम के तहत भव्य तरीके से बाबा नरसिंह यात्रा निकाली गई। भाजपा के नव निर्वाचित विधायक निर्मल वर्मा व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचारक विकास कुमार समेत भारी संख्या में लोग इसमें सम्मिलित हुए। मास्टरगंज से बड़ा चौराहा, सब्जी मंडी, हजीरा मार्केट, मंगरैया बाजार, बदलपुरवा, सेठगंज, जहगीराबाद बस स्टॉप होते हुए पुनः पत्थर शिवाला मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर आशीष गुप्ता, नीरज श्रीवास्तव, चंदन शर्मा, अजय वर्मा, अमित वर्मा, दुर्गेश शुक्ला, दीपक शुक्ला आदि मौजूद थे। रंगों का पावन पर्व होली सीतापुर जनपद में उत्साह व उल्लास के साथ मनाया गया। नैमिषारण में चक्रतीर्थ स्थित भूतेश्वर नाथ का पुजारी राजनारायण पांडे द्वारा अमीर गुलाल से आकर्षक श्रृंगार किया गया। नैमिष आचार्य रमेश चंद्र शास्त्री व मां ललिता देवी मंदिर में आचार्य सदानंद द्विवेदी द्वारा नव संवत्सर का महत्व और नव संवत्सर में राशियों पर प्रभाव और इस वर्ष का फलादेश बताया गया।
इस वर्ष के संवत्सर के अनुदार नवीन संवत्सर का नाम राक्षस संवत्सर है, जिसे बोधो धान मूंग मसूर महंगी होगी। धान अनाज महंगा होता है, प्रजा नाना प्रकार के व्याधियों से पीड़ित रहेगी। नए संवत के धन के स्वामी शनि है, जिसे लोहा तेल काला कपड़ा महंगा रहेगा। इस वर्ष राजा शनि है, वर्षा कम होगी, व्यक्ति रोग से व्याधित रहेगा। मंत्री गुरु ले इसलिए धन धान से पृथ्वी युक्त रहेगी। वर्षा मध्यम होगी, राजा प्रजा की सेवा के लिए नीत वर कार्य करेंगे। इस वर्ष खेती के स्वामी सूर्य हैं, धन्य धान अच्छा उत्पन्न होगा। इस विक्रम संवत 2079 के अंतर्गत राक्षस संवत्सर में एक सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य होगा, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या 25 अक्टूबर खंडग्रस्त सूर्य ग्रहण सूर्यास्त के समय देखा जाएगा। भारत के पूर्वी राज्यों में नहीं दिखेगा। मध्याह्न 2:29 से प्रारंभ होकर 4:30 मध्य 6:32 पर मोक्ष होगा। चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 8 नवंबर मंगलवार, ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण 2:29 स्पर्श 4:29 को मध्य 6:19 पर मोक्ष होगा। इस वर्ष 2 सोमोती अमावस्या है। इस वर्ष शनि की 7.5 का प्रभाव मकर राशि व कुंभ राशि के पेट पर और मीन राशि के सिर पर और धनु राशि के पैरों पर रहेगा। इस वर्ष शनि की ढैया का प्रभाव मिथुन राशि व कर्क तुला वृश्चिक राशि पर रहेगा। इस वर्ष संवत्सर का घर कुम्हार के यहाँ होगा, जिसे महंगाई बढ़ेगी, अग्नि भय रहेगा और विश्व अशांति रहेगी। इस वर्ष वृष और मीन राशि वालों को खड़ाष्टक है, इनको अपने पुरोहितों को पंचांग दान करना हितकर होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सीतापुर के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह द्वारा IGRS के माध्यम से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सीतापुर से बरेली मार्ग पर चौड़ीकरण कार्य में जिन वाहनों का उपयोग मिट्टी लाने में किया जाता है, उसमें काफी अनियमितताएं हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा यात्री कर माल कर अधिकारी को वाहनों की जांच कर आख्या देने के आदेश दिए गए थे। जांच में कई वाहनों के प्रपत्र में लापरवाही पाई गई। जांच अधिकारी ने कार्यदायी संस्था को 1 सप्ताह के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे समस्त वाहनों के प्रपत्र पूरे कर कार्यालय में जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। कारगिल युद्ध में दुश्मनों को अपने अदम्य साहस का लोहा मनवाते हुए मां भारती का शौर्य बरकरार रखने के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव रूढ़ा स्थित शहीद पार्क में मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। शहीद के परिवार के साथ गांव के लोगों ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीद के पिता गोपीचंद पांडे, चाचा कौशल किशोर पांडे, भाई मनमोहन पांडे, अनंत किशोर पांडे, अनुराधा पांडे, देशरत्न पांडे, संभवी पांडे, पिंटू मिश्रा, सुरेंद्र नाथ मिश्रा, सुभाष मिश्रा, सत्यदेव शुक्ला, आयुष तिवारी आदि मौजूद थे। रेउसा थाना व कस्बा में किशोरी पोरवाल के मकान के सामने खड़ी एक मारुति वैन कार में गैस रिफिलिंग करते समय अचानक से आग लग गई। पास में ही स्थित संदीप मोबाइल सेंटर व एक मोटरसाइकिल भी चपेट में आकर जल गई। पुलिस व स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। मोबाइल शॉप के मालिक संदीप पोरवाल ने बताया कि आग लगने से उनकी दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मथुरा मजरे भगवतीपुर में लकड़कट्टों द्वारा शीशम के लगभग 15 पेड़ तथा जामुन के 20 पेड़ अवैध तरीके से काटकर उठा ले जाए गए। ठेकेदार खुलेआम कहता है कि विभागीय लोगों को खर्चा दिया है, जबकि क्षेत्रीय वन दरोगा अरविंद यादव कार्यवाही की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई में हीला हवाली की जा रही है। लहरपुर में रविवार को निवर्तमान भाजपा विधायक सुनील वर्मा के आवास घूरेपारा में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। पूर्व विधायक ने सभी से गले मिलकर मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर कुर्सी विधायक साकेन्द्र प्रताप वर्मा, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा,
पूर्व ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक सुरेश गुप्ता, लहरपुर कोतवाल मनीष कुमार सिंह, तालगांव कोतवाल पुष्पराज कुशवाहा, अरुण सिंह आचार्य, राहुल सिंह, नरेंद्र वर्मा बापू, राकेश वर्मा, रामलखन वर्मा, प्रमोद, देवेंद्र पांडे, मंडल अध्यक्ष रामे वाजपेयी, सलील श्रीवास्तव, गोविंद गोपाल सिंह, प्रधान पिंकू सिंह, विमल सिंह, प्रताप नारायण तिवारी, डॉक्टर उमेश तिवारी आदि मौजूद थे। सीतापुर में होली का त्योहार शांतपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में अपनों के बीच होली न मना पाने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने रविवार को तीसरे दिन पुलिस लाइन और कोतवाली थानों में होली की मस्ती की, फिल्मी गानों पर थिरके भी और रंग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को बधाई दी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर स्प्राइट पब्लिक स्कूल टिड़वा चिलौला लखीमपुर रोड सीतापुर। फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनीटाइम।